हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हिंदी टाइपिंग में होने वाली परेशानी के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सब सारा जानेंगे। सबसे पहले जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन होगा तो आप लोगों को पता है डिफॉल्ट आपका इंग्लिश टाइपिंग होता है, हिंदी टाइपिंग नहीं होता। और अगर आप कृतिदेव पर हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कृतिदेव फॉन्ट आपको इंस्टॉल करना होता है आपके सिस्टम पर, तभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हिंदी टाइपिंग पाएंगे। और अगर मंगल इन स्क्रिप्ट पे करना चाहें तो उसके लिए अल्ट के साथ शिफ्ट टाइप करके आप हिंदी टाइपिंग मंगल इन स्क्रिप्ट पर कर सकते हैं। लेकिन मंगल इन स्क्रिप्ट पर भी एक बात है कि आपको ये इनेबल करना होता है, डिफॉल्ट वो भी इनेबल नहीं रहता है। कैसे इनेबल करते हैं, कैसे आपका कृतिदेव फॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं, ये चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो प्रॉब्लम होने वाला है, सबसे पहले जो भी भाषा हम बदलते हैं तो आप लोगों को पता है कि ये होम मेन्यू है, होम मेन्यू में इस जगह से हम क्या करते हैं, लैंग्वेज चूज करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक कंप्यूटर में जितना भी इंस्टॉल है वो सारा लैंग्वेजेस का एक ऐसा लिस्ट आपका आएगा और इस लिस्ट में जिस भी भाषा में आप लिखना चाहें उस भाषा में आप लिख सकते हैं। तो अगर हम लोगों को हिंदी टाइपिंग करना होता है तो हिंदी टाइपिंग कृतिदेव फॉन्ट पर होता है और कृतिदेव फॉन्ट का जो 10 नंबर फॉन्ट होता है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका फॉन्ट है। तो अब कहीं एग्जाम वगैरह में भी अगर हिंदी टाइपिंग अगर आपका कृतिदेव फॉन्ट पर होता है तो 10 नंबर फॉन्ट पर ही होता है। तो अगर इस लिस्ट में जो हिंदी में दिखाई दे रहा है ये आपका कृतिदेव ही है, हिंदी में जो दिखाई दे रहा है ये कृतिदेव है, तो इसके नंबर को हम ध्यान में रखेंगे। इसका नंबर देखिए 10 नंबर है, तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कृतिदेव 10 आ गया। इसका मतलब आप जो भी मेरा टाइप होगा वो हिंदी टाइपिंग होगा, वो भी कृतिदेव फॉन्ट पर, और ये रेमिंगटन गेल के फेस की तरह होता है। देखिए अभी यहां से क्या करते हैं, भाषा तो चूज हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग यहां से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि जो भी हम टाइप करें वो आप देख पाए आसानी से। तो देखिए होता क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कुछ हम टाइप करते हैं, जैसे हमको रोहन लिखना हो तो एकर की मात्रा हो ना, रोहन लिख लिए, रोहन है ना, तो जैसे रोहन लिखे तो देखिए र लिखे ना तो यहाँ पे क्या हुआ, स्र आ गया। यानी क्या किए कि जैसे हम रोहन लिखने के बाद स्पेस बटन प्रेस किए तो र की जगह स्र आ गया। इसके अलावा देखिए अगर हमको राजमहल लिखना होगा तो र आ का जो म ह ल राजमहल, और जैसे हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे तैसे ही आपका क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ये। और सिर्फ ये र के साथ स्र ही नहीं, हिंदी टाइपिंग में बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जो टाइप करने के बाद जैसे स्पेस देंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, वो लेटर आपका चेंज हो जाता है। एक्चुअल में होता क्यों है पहले इसको समझिए। ये होता इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जब आप टाइप करते हैं इंग्लिश टाइपिंग में, इंग्लिश फॉन्ट पर, तो क्या होता है कि जैसे पहला लेटर आपका स्मॉल टाइप होता है लेकिन जैसे आप स्पेस देंगे तो वो लेटर क्या होता है, कैपिटल हो जाता है। देखिए हम यहाँ से ना इंग्लिश पर टाइप करते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज पर टाइप करते हैं, ये हम चूज किए और यहाँ से R A Z M A H L राजमहल, जैसे हम स्पेस दिए तो देखिए राजमहल का जो R है ना ये कैपिटल हो गया, ठीक है, ये तो कैपिटल हो गया। तो इंग्लिश फॉन्ट के अनुसार अगर ये कैपिटल हो जा रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया, हम लोगों को ऐसा चाहिए भी होता है कि कोई भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो। लेकिन हिंदी में अगर चेंज हो जा रहा है तो ये तो प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी में अगर हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये एक्चुअल में होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के कारण। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट एक सेटिंग किया रहता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, ठीक है, यानी अगर कोई वर्ड अगर आप टाइप करते हैं अगर वो कंप्यूटर के डिक्शनरी के अनुसार गलत होता है तो ये अंडरलाइन इंडिकेट करता है, ठीक है, या तो स्पेलिंग गलत है या तो आपका ग्रामर गलत है, उसके कारण होता है। जैसे अगर हम यहाँ से जी ओ ई डी लिखेंगे तो देखिए पहला लेटर कैपिटल हुआ फिर भी अंडरलाइन हुआ। इसके अलावा जी डबल ओ डी गुड लिखेंगे तो देखिए इसमें तो नहीं आया अंडरलाइन, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये स्पेलिंग भी सही है और ग्रामर भी सही है। लेकिन अगर इसका देखा जाए तो ये आपका क्या जी ओ ई डी, ये स्पेलिंग गलत है, ग्रामर गलत है, इसके नीचे इसलिए इसके नीचे ऐसा आया। तो इसको अगर हिंदी टाइपिंग में अगर ये प्रॉब्लम कर रहा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से होम मेन्यू में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक आपका ऐसा मेन्यू ओपन होगा और सबसे लास्ट में ऑप्शंस दिखाई देगा, आप उस ऑप्शंस पर क्लिक करें।
वर्ड ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स आया और इसमें आप यहां पर देख पा रहे होंगे जनरल डिस्प्ले प्रूफिंग, तीसरा नंबर ऑप्शन पे प्रूफिंग है। प्रूफिंग पे क्लिक कीजिए और इस जगह पर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस है, यानी जो ऑटो करेक्ट जो हो जा रहा है अपने आप जो सही हो जा रहा है इस ऑप्शन पर हम जाएंगे, ठीक है। यानी ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने जो ऑटो करेक्ट का बॉक्स आया इसमें क्या करना है कि जितने भी चेकबॉक्स पर टिक लगा हुआ है, जितने भी चेकबॉक्स पर टिक लगा हुआ है सही किया हुआ है, उन सभी को हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, ठीक है। उन सभी को क्या कर देंगे हम, तो रिमूव कर देंगे। तो इससे जो होने वाला जो ऑटोमेटिक जो आपका स्पेलिंग चेक कर रहा है ये सब प्रॉब्लम आपका नहीं होगा, ठीक है। जितना भी है जो भी आपका टिक लगा हुआ है इन सारे पर हम क्या कर दे सारे को रिमूव कर दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होगा सब आपका सबको हम क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। सबको हम टिक हटा दे रहे हैं, तो यानी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हिंदी टाइपिंग से इस टाइप का प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। यानी सबको क्या करना है कि जो टिक लगा हुआ है उस टिक को क्या कर देना है आपको, उसी पर क्लिक करके रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ से क्या कर दें जितने भी टिक लगे हुए थे सारे क्या हो गए अब यहाँ से रिमूव हो गए, अब इसमें से किसी में भी टिक लगा हुआ नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ से ओके करना है और इसके बाद इस जगह पर थोड़ा सा नीचे आइए, इस जगह पर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर ओके लिखा होगा, आप यहाँ से ओके कर लीजिए, ठीक है। अब जब हुआ ना तो अब इसके बाद देखिए जब हम इंटरप्रेस करें सॉरी इंटरनेट अब हम टाइप करते हैं, जैसे अगर हमको इंग्लिश टाइप करना है तो जैसे अगर हम इंग्लिश टाइपिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश टाइपिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या कि जैसे देखिए हम स्पेस बटन प्रेस किए तो जो पहला लेटर जो कैपिटल होना था जो इसके पहले हो रहा था अब वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन इंग्लिश से हमको मतलब नहीं है, मेन हमको हिंदी पर आते हैं। हिंदी में हिंदी के लिए फिर से हम यहां से कृति देव को चूज करेंगे, ठीक है। और अब यहां से हम राजमहल लिखते हैं और जैसे हम राजमहल लिखेंगे देखिए वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर हम यहां से रोहन लिखेंगे रोहन तो देखिए आपका जो है स्पेस देंगे तो भी आपका चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप सुधार सकते हैं हिंदी टाइपिंग में जो इस तरह से ऑटोमेटिक कन्वर्ट करने वाले लेटर है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।